तो अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक मोटिवाइज ट्रेडमिल ली थी जिसपे मैं कभी कभार रनिंग भी कर लेता हूँ। और एक दिन रनिंग करते करते मैं पॉप पॉप फोड़ रहा था और पॉप पॉप फोड़ते फोड़ते मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज आ रहे थे, जिनमें एक आइडिया ये था कि क्यों ना चलती ट्रेडमिल पे पॉप पॉप फोड़े जाए। क्या होगा अगर हम हजारों पॉप पॉप चलती ट्रेडमिल पे गिरा दें? सभी को बताया कि पॉप पॉप को इस तरीके से फेंक के दगाते, लेकिन भाई आज के स्टूडियो में हम कुछ ऐसा ट्राई करने वाले हैं जो कि आप लोगों ने बिल्कुल भी सोचा नहीं होगा। तो हम यहाँ पे इन पॉप पॉप को दगाएंगे अलग अलग तरीकों से, एकदम अलग अलग तरीकों से। जैसे कि ये पॉप पॉप लेंगे, इसको पूरे पूरे 15 की स्पीड में चल रही ट्रेडमिल पे फेंक दे काफी ऊंचाई से या फिर गिरा दे, तो एक दो नहीं कई सारे। और यही नहीं, यहाँ पे है हमारे पास ये फेंकने वाले पटाखे, कुछ इस तरीके से होते हैं, बहुत ही ज्यादा तेज लगते हैं। इनको भी हम लोग फेंकने वाले हैं चलती हुई ट्रेडमिल में। भाई सच में मजा आ जाएगा आज के सूर्य में। तो सबसे पहले हम डालने वाले हैं 1000 के आसपास पॉप पॉप इस ट्रेडमिल में। इसे ऑन करते हैं स्टार्ट और इसे पहुंचाते हैं 15 की स्पीड में। ये देखो कितनी जबरदस्त तरीके से चल रही है। अब मैं इसे काफी हाइट से गिराऊंगा स्टूल पे चढ़ के, फिर देखते हैं कैसा सीन क्रिएट होता है यहाँ पे। ऐसा आपने कभी भी कहीं नहीं देखा होगा, तो इस बात के लिए लाइक बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करके बटन दबाना बनता है। पहले मैं थोड़े गिराऊंगा, अब मैं गिराने वाला हूँ एक साथ सारे के सारे। वाओ, पॉप पॉप गिराने पर क्या हुआ तो आपने देख ही, लेकिन यहाँ पे जो अब पटाखे हैं ये पॉप पॉप के भी बाप हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा तेज दगते हैं, इसलिए इनको इस तरीके से कटे हुए पिसे हुए लकड़ी के चूरे में रखा जाता है। इमेजिन करो खूब सारे ये वाले पटाखे गिरेंगे चलते ट्रेडमिल में तो क्या ही हाल होगा। वो तो यहाँ पे इनको निकालते हैं एक एक करके, लेकिन अगर एक एक करके निकालेंगे तो लगेगा टाइम। यहाँ पे जुगाड़ है हमारे पास ही, चलनी देखते काम करेगा नहीं। ओके, अरे वाह, ये तो बहुत ही मस्त जुगाड़, सारे पटाखे छान लिए हमने एक साथ। तो यहाँ पे आपकी बार जो पटाखे हैं भाई, वो आपने देख लिया कितने ज़्यादा खतरनाक हो, कितने ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो यहाँ पे हमने ट्रेडमिल को शक कर लिया, 15 की स्पीड में बहुत तेज़ी से चलने लगी है। और बस अब मैं इन्हें ऊपर चढ़ के गिराता हूँ। सब लोग अपने आँखें वाँखें बंद कर लो और वीडियो में दिखाई कोई भी चीज़ बिल्कुल दोहराने की कोशिश मत करना। ओ भाई, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन आपने जरूर से देखा होगा इसका स्लो मोशन देखना बनता है। आपकी बकासिन सबसे ज्यादा खतरनाक होने वाला है ये सुपर रिएक्टिव पटाखे वर्सेस मिक्सर ग्राइंडर। क्या हुआ मुझे नहीं पता, आप लोग स्क्रीन में देखो। क्या होगा इतने सारे पॉप पॉप को चलते हुए मिक्सर ग्राइंडर में डाल दें, क्या होगा? चलो देखते हैं। 3, 2, 1 मिक्सी ऑन। ओहो, मिक्सी ही बंद हो गई। पॉप पॉप में इतना दम है कि ज्यादा डालने पर मिक्सी ही बंद हो गई, क्योंकि पत्थर है और पत्थर ने तो कर दिया जाम। मजा आया जी हाँ, इसमें भी इसमें लोग डाल देते हैं, बहुत कुछ डरते हैं, लेकिन हम लोग डरने वाले हैं पॉप पॉप, देखते हैं डरेंगे या फिर दगेंगे। चलो
सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ से पॉपअप डालेंगे और फिर दूसरा सीन में हम लोग सीधा ही भर देंगे। हाँ, ये डालेंगे पॉपअप इसके अंदर। अरे अरे अरे, कुछ ज़्यादा चले गए। अरे ज़्यादा चले गए। और भाई ये तीन दो, अरे वाह, ये बड़ा मस्त है। अरे वाह, अरे न्यू टेक्निक पॉपअप लगाने की। भाई ये पॉपअप देखो पीस गए एकदम। ओ भाई एकदम सब पीस गए। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पे ऐसे बिछा देते हैं लाइन से काफी ज्यादा पॉपअप ऐसे। ऐसे ठीक है, इसको ऐसे बिछाते हैं और फिर इसके ऊपर रखते हैं ये वाला हिस्सा। सक्सेसफुली रख दिया। जबरदस्त तड़तड़ा गए एकदम, मजा आ गया एक बार। तो यहाँ पे हमें फिर से डाल दिए खूब सारे पॉपअप अपने इस तातिया में। अब धो क्या सीन होता है, बहुत आराम सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? तैयार? 3, 2। बहुत जबरदस्त। तो कुछ ऐसा होता है दादिया में पॉपकॉर्न डालने पर।